Today's inspiration: speak in a such a way that others listen to you, and listen in a such a way that other loves to speak to you. कुछ इस तरह से बात करें कि लोग आपको सुनना पसंद करें, और कुछ इस तरह से सुनें कि लोग आपसे बात करना पसंद करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भोला फिटनेस। वो एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के इतने गुण हैं कि आपके गिनते-गिनते उंगलियां कम पड़ जाएंगे, लेकिन एलोवेरा के गुण खत्म नहीं होंगे। उन्हीं गुणों में से कुछ ऐसे गुणों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हार्ट बर्न होने की समस्या हो रही है तो उन्हें क्या करना है? 2 से 3 औंस एलोवेरा का जूस खाना खाने के आधा से एक घंटा पहले अगर वो सेवन करते हैं तो इससे उन्हें काफ़ी समस्या मिलती है। अगर ये सेवन करने से उन्हें GERD की समस्या होने पर भी इससे काफ़ी फायदा मिलता है। अगर मसूड़े में हो रही है सूजन या फिर खून आने की समस्या हो रही है मुंह के अंदर में, तो आपको क्या करना है? एलोवेरा के अंदर में वो ताकत है जिससे आप क्या करेंगे, एलोवेरा थोड़ा सा पानी मिलाकर एक तैयार कर लेंगे जूस। इस जूस से आप मुंह में खुला करेंगे, इससे सूजन और खून आने की समस्या में काफी। अगर आपको अपना वजन तेजी से कम करना है तो सुबह आप उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे। इसके अंदर में 2 चम्मच एलोवेरा जूस और 1 चम्मच आंवले का जूस, ध्यान से सुने, 2 चम्मच एलोवेरा जूस 1 चम्मच आंवले का जूस लेकर आप इसे सेवन करते हैं और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। 1 घंटे रुक कर उसके बाद आप कुछ भी आप सेवन कर सकते हैं, तो आपके जो शरीर में वजन जो बढ़ गया है वो तेजी से कम होने में काफी। कब्ज होने की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा का जूस आपको रोजाना सेवन करना है। इससे आपके पाचन भी दुरुस्त हो जाएगी, कब्ज की समस्या भी नहीं होगी और आपके आंख के अंदर में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, वो भी हेल्दी रहेंगे। तो आप कब्ज से राहत पाने के लिए एलोवेरा का जूस का सेवन। एलोवेरा जूस हाइड्रेटिंग और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर आपके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके लीवर को शोषित करने में काफ़ी मदद करता है, इसके साथ ही आपके लीवर को हाइड्रेट भी रखता है। तो एलोवेरा जूस आपके लीवर के लिए भी बहुत बढ़िया। एलोवेरा का जूस सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसके जूस का सेवन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसके पल्प को आप डायरेक्ट निगल पाएं, खा पाएं तो खा सकते हैं, या फिर इसे आप पानी के साथ लें इसके पल्प को, या फिर इसके पल्प को आप जूस के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा का पल्प हमारी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये हमारे pH लेवल को संतुलित रखता है और सीबम जो होते हैं हमारे स्कैल्प में उसे भी बढ़ाने में काफी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में चमक, बालों में झड़ने की समस्या को रोकना और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही हमारे त्वचा के हाइड्रेट यानी हमारी त्वचा में जो ड्राई हो जाते हैं उसे दूर कर त्वचा को हाइड्रेट रखता है। इसके साथ ही हमारे त्वचा में एक स्वस्थपन और निखार भी लाता है। आप इसे सीधे तौर पर इसके पल्प पर लगा सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिक्स करके डायरेक्ट आप बालों पे यानी स्कैल्प पे या फिर अपने त्वचा पर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और आप इस बात में ध्यान दें कि अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर किसी जानकार या सलाह से सलाह भी ले लें तो ये और भी अच्छी बात होगी, या किसी डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। मेरे इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।